FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ये हेयर ट्रांसप्लांट की वो टेक्निक है जिसमें कि स्पेशल पंचेस को यूज़ कर करके और डोनर एरिया से एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है और उस एक एक ग्राफ्ट को देन माइक्रोस्कोप में प्रिपेयर करके और जो एरिया, जो भी एरिया ट्रांसप्लांट होना होता है उसमें इम्प्लांट किया जाता है। FUE के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स वो हैं जिनका कि एरिया ऑफ बॉल्डनेस थोड़ा कम है, बिकॉज FUE की लिमिटेशन एक जो है वो ये है कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक नंबर हमारा फिक्स रहता है करीबन 2500 से मैक्सिमम 3000 ग्राफ्ट्स तक। तो जिन केसेस में, जिन जिन पेशेंट्स में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसमें थोड़ा सा FUE एप्लीकेबल नहीं रहता है, बट जहाँ पे ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 2500 ग्राफ्ट्स तक है वहाँ पे FUE से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। FUE के द्वारा हम दाढ़ी या फिर चेस्ट से भी बाल निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन उन बालों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है जो ऑक्सीपिटल या पीछे के बाल होते हैं उनसे। तो ये जो बाल होते हैं बियर्ड के या चेस्ट के, इनको जस्ट फिलिंग के हिसाब से और यूजुअली मिड स्कैल्प के अंदर लगाया जाता है ताकि एरिया बिल्कुल बॉल्ड नहीं लगे। FUE डेफिनेटली ब्लाइंड टेक्निक है और ऑपरेटर डिपेंडेंट टेक्निक है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा रूट डैमेज होने का चांस जो है वो FUT से स्लाइटली ज़्यादा रहता है। FUE की जो लिमिटेशंस हैं बेसिकली वो ये हैं कि FUE टेक्निक उन पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए जिनका कि डोनर एरिया की डेंसिटी बहुत ही पुअर है। अगर पुअर डेंसिटी वाले डोनर एरिया से और ग्राफ्ट हम FUE से निकालते हैं तो वहाँ पे और स्पार्स या और कम हेयर लगते हैं जो कि एक अच्छा आउटकम नहीं है। इसके अलावा अफ्रीकन्स या उन पेशेंट्स में जिनके कि बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं या सी शेप्ड है, उनमें भी FUE थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि रूट डैमेज के चांसेस बाल की शेप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।